हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा IQ Z7 Pro 5G फ़ोन है, तो IQ Z7 Pro 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम है, तो पावर बटन की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं IQ Z7 Pro 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे आप फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं IQ फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि पावर बटन की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं IQ Z7 Pro 5G फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना होगा और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे आप फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपको जाना होगा शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी पर। तो शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कर दें तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएगा। आप देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, तो इस पर जाकर सिंपली आपको इसको ऑन करना होगा और अलाउ कर देना है। इससे आपके पास ये शॉर्टकट्स का आइकन आ जाएगा जो ग्रीन ऑप्शंस में शो हो रहा है, तो ओपन कर लेना है। ओपन करते डिफरेंट टाइप के आइकन्स आ जाएंगे, सिंपली आप पावर आइकन्स पे क्लिक करते हैं, तो पावर आइकन्स पे क्लिक करके आप फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं। सिंपली आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो फ़ोन है ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगा और आप फ़ोन को पावर ऑफ़ कर सकते हैं। पावर ऑफ़ के लिए इस पे टैप करना है और इमरजेंसी कॉल के लिए इस पे क्लिक कर देना है, जिससे इमरजेंसी कॉल आपके फ़ोन में लग जाएगी। तो इस तरीके से भी आप फ़ोन की पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं अपने IQ फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू।